चांदनी, अब जूबिया के सुल्तान से मिलने का वक्त आ गया। अब सुल्तान की कहानी का क्लाइमैक्स लिखने का वक्त आ गया है। हीरो, कॉल करो उसे। आपकी नजर में कोई ऐसी जगह है जहां पे हम सुल्तान को बुला सकें? हाँ, एक अपार्टमेंट है मेरे पास। हर तरह की जदीद सहूलत से आरास्ता, समझिए आप, हर तरह की। शाबाश, चलो कॉल करो उसे। लाउडस्पीकर पे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों कॉल कर रही हो बार बार? वो बस वैसे सुल्तान आपसे मिलना चाहती थी। क्यों मिलना है मुझसे? मुझमें कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हुए? वो बस वैसे दिल चाहता है एक बार आपको रूबरू देखने को। सुल्तान, कुछ बोले तो। आप मिलेंगे मुझसे आज? ये आज पे इतना फोकस क्यों है? नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे मिलना चाहती हूँ। पहले भी तो आपको कहा था। तो आज फिर मौका मिला है तो सोचा फिर मिन्नत करके देख लूं। कैसा मौका? वो आज असल में ना मेरे दादा और कजिन दोनों आज शहर से बाहर शादी पे गए हुए, तो उनकी वापसी तो सुबह तक होगी, तो सोचा आपसे जी भर के बातें कर लूं। ऐसे मेरा मूड तो अच्छा नहीं था, लेकिन तुम्हारी बातें। एड्रेस बताओ। एड्रेस बताती हूँ ना, एड्रेस सुल्तान आप अपने दिल में चेक करें।
लिखे सुल्तान। इतना दूर? दूर रहती हूँ तो क्या, आप मिलने नहीं आएंगे? आ जाऊंगा, शाम में इंतजार करना। बाय। ओके, सी यू। फिर भाई स्नताना खा लिया, आ रहे। आने दो उसे, अब मैं उसे बताऊंगा इंसान का तमाशा कैसे बनता है। खूबसूरत एहसास है ना कि अब तुम मेरी हो, क्योंकि मेरे नाम की अंगूठी अब तुम्हारी उंगली में आ चुकी है। बस अब मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर में देखना चाहता हूँ। हक मेहर 50,000, 50,000, हमारी बेटी दे मोल नहीं, हक मेहर 50 लाख होगा, लाख होगा। रुको फिर सर, 50 लाख हक मेहर का मुतालबा मैंने पूरा कर दिया। पहले मुझे ये 50 लाख रुपए अपने वालिद साहब को वापस करने होंगे, उससे पहले ये रुख्सती नहीं हो सकेगी। इसे क्या हुआ, ये इतनी आवाज पाख्ता क्यों? ओ सरवर भाई, हम मॉल गए थे शॉपिंग करने तो अचानक से सुल्तान आ गया वहां। अच्छा, यू रिलैक्स, आओ कम ऑन। मिस परीजा, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूं। मुझे लग तो नहीं रहा कि आप ठीक हैं। मुफल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परीजे बाजी। क्या बात है, सच सच बताएं। इधर आए, हाथ दिखाएं मुझे अपना। हाय उफ, बताया नौफल भाई, परीजे बाजी ठंडी या हो रही है? नहीं जाननी, मैं ठीक हूँ, बस मुझे घबराहट सी हो रही है। किस बात को लेके? मुझे लगता है कि सुल्तान जैसा चालाक आदमी हमारे इस गेम प्लान में आ जाएगा। मैं एक ट्राई जरूर करना चाहूंगा। जिस किस्म का खुद परस्त और चीप इंसान है वो अपनी असलियत जरूर दिखाएगा। मिस प्रीजे, इस बात पे झगड़ा भी हो सकता है क्या? आपने सुल्तान को इतना चालाक समझ लिया और मुझे चांस दिए बगैर ही जीरो? नॉट फेयर। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूं कि सुल्तान बहुत शातिर इंसान है।
और हम लोग मासूम लोग हैं। ले भला ये कैसी बात है परीजाबाजी, वक्त आने पर मासूम लोग भी आसमान हिला देते। मिस परीजे आज आपकी कामयाबी का दिन है। आपके पलट के वार करने का दिन, आपके बदले लेने का दिन। वो आपके मन को मार चुका है, आज आप उसके गुरूर को मारने जा रही है। चांदनी जाओ, जाके तैयार हो। अच्छा सुनो, सुल्तान बहुत चीटू इंसान है, अगर वो भाग गया तो परेशान मत होना, मैंने सारे इंतजाम किए हैं। तुम लोग एक सेकंड के लिए भी उस कमरे में अकेले नहीं होंगे, ठीक है? जा, शाबाश। तुम तो असरार के साथ गई थी ना, क्या हो गया फिर? सुल्तान ऐसा क्यों करता है मेरे साथ हर बार? मुझे लगा था कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। शर्मिंदा होंगे वो अपने किए पर, पछतावा होगा उन्हें उनके किए पर, लेकिन उन्हें उनके किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं ये सोचने लगी थी कि मैं भैया से कहूंगी कि सुल्तान को एक मौका दें। उसे एक मौका दें कि शायद वो बदल गया, मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। लेकिन नहीं, सुल्तान ने फिर से मुझे मायूस कर दिया। लोग जानते हैं मुझे मॉल में इसरार के साथ देखकर उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। सबके सामने, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, इसरार पर हाथ उठाया। इतना सब कर दिया, जरा उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने इतना कुछ कर दिया, लेकिन अब भी उनका दिल नहीं भरा। असरा, एक आखिरी चांस भी अगर सुल्तान ने गवा दिया तो ये उसकी बदकिस्मती है। कि तुम्हारे साथ होने का एक आखिरी चांस जो उसके पास था वो भी उसने गवा दिया। बेटा, हमने कुछ देखकर ही हार मानी थी ना? अगर कोई बुरा है तो उसकी सजा मैं क्यों भुगत रही हूं अम्मा? मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं ये दुख क्यों झेल रही हूं? तकलीफ ले क्यों रही हो? नहीं लो तुम तकलीफ। भाड़ में जाए वो,
अच्छा है तुम्हारी नजरों से उतरेगा तो तुम्हारे दिल से उतर जाएगा असरा, बेहतर है तुम्हारे लिए। बकवास मत करो सुल्तान, लोगों ने देख ली तुम्हारी औकात क्या है। तू मुझे बताएगा मेरी औकात क्या है? तू आज मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी औकात क्या है। सुल्तान काश किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती, एटलीस्ट हम अदालत को तो दिखा सकते। मुझे क्या पता था वो ऐसे मुझ पे हल्ला बोल देगा। वैसे असरा इस वाकये से बहुत परेशान है, आप प्लीज उसे संभालें। उससे पहले हमने सुल्तान को संभालना, उसने हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया है। चली गई थी, हम सब कुछ छोड़ आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी ना, ये सब कुछ तो होना ही था मेरे साथ। उसने तुम्हें इज्जत दी, अपने निकाह में लिया, फिर चलते कलेजे को ठंडक पहुंच रही है। पापा मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर खसनबी। मैं दुआ कहूँ सिर्फ, प्लीज बस एक बार तुम मुझे अपना लो। ये मुमकिन नहीं है अब। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है फहमीदा बेगम। होश में आई।
गाइस प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। इस परीजे चांदनी के बाद आपने भी तैयार होना है। जी Is everything okay? जी चले, अगर ऐसा ही है तो प्लीज जल्दी से तैयार हो जाए। वो ये तीसरा ड्रेस किसके लिए? तीसरी लड़की के लिए। मतलब जिस लड़की की सुल्तान के साथ वीडियो वायरल होगी उसके लिए। तो ये बात आप मुझे पहले ही बता देते, मैं यही बात सोच के टेंशन में आ रही थी। आप दोनों मेरे लिए मोतबर। रिलैक्स, आई इस तरह। नौकर में आते हुए लेट तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम पे आए आप। थैंक यू, प्लीज बैठे। मैंने अरफान को पहले ही बोल दिया था कि मैं पहले पैसे लूंगी देन काम करूंगी। जी ये लीजिए। क्या करना? हम आपके लिए कुछ कपड़े लेके आए हैं, आपको उन्हें चेंज करना होगा। हम आपकी ज्वेलरी चेंज करेंगे और थोड़ा सा मेकअप भी। इसमें आपको परीजे हेल्प करेंगे। परीजे आओ। जी आप मेरे साथ आ जाइए। चांदनी। जी नौफल भाई। सुल्तान को कॉल करो, पूछो उसको कि वो कहाँ है। हेलो सुल्तान, कहां तक पहुंचे आप? घर पे ही हूं अभी तक। क्या मतलब? मुझको इंतजार में डाल के आप अभी तक घर पे ही हैं? यानी कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब हो? और क्या, हम सब आपका यहां शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हम सब? कौन हम सब? क्या मतलब कौन सब? मैं, मेरी मोहब्बत, ये घर, मेरी तन्हाई। लो हो गए ना हम सब। वैसे बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। ये बातें कहाँ है सुल्तान, ये तो सब आपकी मोहब्बत का कमाल है। इसमें कोई शक नहीं, अपने सामने मैंने बहुत सी लड़कियों को अपने लिए दीवाना होते देखा। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका बहुत बहुत शिद्दत से। करती रहो। क्या मतलब? इंतजार के बाद मिलने का भी अपना ही मजा होता है।
जी सरवर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ओ प्लीज, ये ड्रामेबाजी मेरे साथ मत करो। ये ड्रामा नहीं, मेरी तबीयत। अच्छा, तो ये है तुम्हारी तरबियत का हिस्सा जो तुमने असरा के साथ किया। एक सेकेंड, असरा के साथ मैंने जो भी किया बिल्कुल गलत नहीं था। असरा अब भी मेरी बीवी है और रहेगी भी। थी ना है ना रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे पास वापस भेजूंगा? आपके बोलने से क्या होता है, असरा मेरे पास वापस आएगी। मैंने ले जाने से पहले आपको वार्न किया। सुल्तान, अपनी हद में रहो। तुम होते कौन है मुझे वार्न करने वाले? आप कौन होते मुझसे इस तरीके से बात करने वाले? शायद आप भूल रहे हैं, मैं आज भी आपकी लाडली बहन का शौहर हूं। सुल्तान हूं मैं, किसी की जरूरत नहीं है मुझसे इस तरीके से बात करे। किसी का एहसान नहीं रखता। आज जिस तरीके से आप मुझसे बात करेंगे, मियाजा आप ही की बहन को भुगतना पड़ेगा। सो बिहेव। ओह शट अप। मेरी बहन का अपने दिल से ख्याल निकाल दो और भूल जाओ कि वो तुम्हारे पास वापस आएगी। क्यों, मैं क्यों भूल जाऊं? मेरे पास उसको याद रखने का ऑर्डर है कोर्ट का। और ये जो आप ये ख्वाब देख रहे हैं ना, असरा की शादी उस ससुराल से करवाने के, याद रखिएगा इस ख्वाब को सुल्तान कभी पूरा नहीं होने देगा। तुमसे इजाजत कौन मांग रहा है? देखना, मैं असरा की शादी इस रात से करके दिखाऊंगा तुम्हें। जैसे तुम्हें किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है ना, उस तरह मैं भी किसी का उधार नहीं रखता। समझ गए? अब मुझे फिक्र हो रही है, ये सुल्तान अभी तक आया क्यों नहीं है? अब ये मत कहना कि मेरे पैसे वापस कर दो। अगर ये काम कल तक गया ना, तो इसके मैं डबल पेमेंट लूंगी, क्योंकि हमारी कोई डील नहीं हुई थी। आप प्लीज खाते जमा रखिए, अगर आपको एक और मर्तबा बुलाए तो दुगने पैसे मिलेंगे। क्या जमा रखे? फिलहाल आप इत्मीनान रखे। Okay. चलो चांदी, ध्यान से हैंडल करना। अगर कुछ ओवर हुआ तो फिक्र मत करना, हम लोग यहीं पे हैं।
नोफिल भाई डर लग रहे हैं मुझे। जस्ट रिलैक्स, अपनी ट्रेनिंग याद रखो, ठीक है? जी नोफिल भाई। Is this your hospitality? Sorry. इसलिए मिलने के लिए इतनी मिन्नतें कर रही थी कि अपने गेट के बाहर खड़ा रख सको। बिजी थी। क्या है? This is my hospitality. अपनी गलती को छुपाने के लिए एफर्ट्स कर रही हो। ऐसा तो ना कहें सुल्तान। आपको अंदाजा है इस मौके के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी थी। अच्छा कितनी? इतनी ज्यादा? बातें अच्छी बना लेती हो। तुम कहती हो तो मान लेते हैं। मानना तो पड़ेगा, मेरी मोहब्बत इतनी भी बेअसर है। देख लें कैसे बंदे चले आए हैं आप। इसका क्रेडिट तुम्हारी मोहब्बत को नहीं जाता, सुल्तान का दिल ही कुछ ऐसा। किसी का दिल तोड़ा नहीं जाता मुझसे। For you. तेरे लिए बहुत खूबसूरत है सुल्तान। क्या आप यहां सवाल जवाब में वक्त जाया करें, आए चले। अरे वाह, सब कुछ तुमने किया, तो और किसने करना था? इसी सब में तो मसरूफ थी मैं, और आपको लग रहा था मैं आपसे गाफिल हूं। मैं गलत नहीं था, गाफिल तो मुझसे थी, और ये बात मुझे सख्त नापसंद है। अच्छा चलें छोड़े ना, आए बैठे, मुझे बताएं खाने में क्या लाऊं आपके लिए। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं, आप कुछ तो लें। मैंने घर से खाना खाया हुआ है, मुझे भूख नहीं है। Money.